खबर यूपी के शाहजहांपुर से। शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों की दुकानें चल निकली हैं। शिक्षा के नाम पर कस्बे के निजी विद्यालयों में कमीशन की किताबों का लाखों का व्यापार चल रहा है। सरकार के तमाम नियमों को धत्ता बत्ता निजी विद्यालय संचालक अपनी मनमर्जी का पाठ्यक्रम चला रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। ये तो छात्रों के प्रति एक किस्म का अत्याचार है। और क्या इतनी महंगी किताबें देने के बाद फिर बच्चों को छात्र उनको कैसे क्वालिफिकेशन कैसे हो पाएगी उनकी, कैसे वो पढ़ लिख पाएंगे? गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, कोई पैसे वाला है तो वो तो अपने किसी हाई क्वालिफिकेशन कहीं करा सकता है, लेकिन गरीब बच्चों की तो शिक्षा तो बेकार हो रही है। और हमारी सरकार ने जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए जो इतना धन व्यस्त करती है, वो भी एक किस्म का दुरुपयोग ही हो जाता है। वहाँ तक ना तो बच्चे पढ़ने जा पाते हैं, ना कोई टीचर ही कोई रह पाता है। जो प्राइवेट स्कूल हैं भाई, प्राइवेट स्कूल क्या, वो तो अपने एक दुकान खोलते हैं भाई। उनकी स्कूल थे, वो तो एक दुकान है, उनका एक बिजनेस है, है? वो चाहे जैसे उनको ब्लैकमेल करें उनको भाई, उनको किताब अगर 10 रुपये की है तो उस पर रेट 100 रुपये डाल देते हैं कि लो भाई 90 रुपये दो, ये 100 रुपये दो, है? तो ये तो क्या किया जाए। जो किताब उधर 10 रुपये किसकी रेट होता है, 100 रुपये ले लेते हैं गरीबों से। बहुत महंगी है ये कच्चा की किताब, है 3000 रुपये की है। बताओ कैसे पढ़ाए बच्चे, 200 रुपये महीने फीस ले रहे बच्चे को, ज़्यादा आता है नहीं, नाम तो लिखना नहीं आता है। अपने स्कूल में ही किताबें दे रहे, कापी किताबें पेन हर चीज़ दे रहे अपनी, 10 रुपये किताब 100 रुपये में लगा के देते हैं, अपने रेट डाल रखे हैं उन्होंने। और जो भी